एमपीपीएससी टॉपर एसडीएम हर्षल चौधरी घिरे विवादों में। लटेरी अनुविभाग के एसडीएम हर्षल चौधरी पर लगे गंभीर आरोप, एसडीएम ने आरोपों को बताया गलत। लटेरी एसडीएम हर्षल चौधरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आज पंचायत सचिव संघ ने कलेक्टर के नाम जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सचिव संघ ने एसडीएम हर्षल चौधरी पर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ग्राम पंचायत मसूरी के पंचायत सचिव जगदीश धाकड़ से मारपीट का है। पंचायत सचिव ने लटेरी एसडीएम हर्षल चौधरी पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर आज पंचायत सचिवों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर लटेरी एसडीएम हर्षल चौधरी ने कहा है कि पंचायत सचिव पर लगभग 4.5 लाख रुपए का गबन किया है, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। इसी मामले को लेकर पंचायत सचिव द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि मेरे द्वारा पंचायत सचिव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ये और किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? दिनांक 7/3/2023 को ग्राम पंचायत मसूरी में एसडीएम साहब जांच हेतु गए थे, शिकायत थी, तो वहीं पर मैं तो मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत करत में ही मेरे कान पकड़ो और लपाड़ो, सुन तो एक मेरा क्या कारण था और गाली गलौज भी की मेरे साथ। कारण क्या था? कारण कुछ नहीं, सीसी रोड की पूछत में अचानक कान पकड़ो और थपाड़ो था और गाली दी। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम उचित कार्रवाई चाहते हैं साहब। किसको? FIR दर्ज हो SDM साहब के ऊपर और निलंबन हो, नहीं हो तो मैं आत्महत्या करूंगा जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर। किसको आवेदन किस चीज की जांच को लेकर गए थे वो? क्या सीसी रोड किसने करी थी शिकायत? वीरन राजपूत ने। तो सीसी रोड था मौके पर या नहीं था, किस विषय? तो सीसी रोड था। फिर ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर इस तरह की घटना हुई? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आओ, वहाँ पर मुझसे तो ये पूछी कि ये सीसी रोड कब डालो, तो बस और कान पकड़ के लपाड़ दे चालू कर दा, गाली गलौज कर। आज जो ज्ञापन दिया है वो किसको ज्ञापन दिया है और किसके नाम ज्ञापन दिया है? कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? FIR दर्ज हो सर उन पर और निलंबन हो और यहाँ से ट्रांसफर हो। सर एक पंचायत सचिव ने आरोप लगाया है कि आपने ग्राम पंचायत में निरीक्षण के दौरान उसे अभद्र गालियां दी और उसके साथ मारपीट की है, क्या मामला है? ग्राम पंचायत मसूरी से ग्रामीणजनों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो एक प्रचलित रोड है वहां पे लगभग 20 मीटर की रोड है, उसके पैसे निकाल लिए गए, उसका सीसी जारी हो गया है और भुगतान हो चुका है, परंतु ग्राउंड में रोड है नहीं। तो इसके और एक और टंकी की शिकायत थी कि टंकी के भी पैसे निकाल लिए गए, भुगतान हो गया, परंतु फील्ड में काम नहीं हुआ है। तो फील्ड में निरीक्षण के दौरान मैं उस पंचायत में भ्रमण पे था और मैंने सचिव, सरपंच, वर्तमान सरपंच जो है, GRS हैं, कुछ ग्राम पंचायत के वहां पे व्यक्ति थे, वो सब एकत्रित थे और जिस रोड की शिकायत थी उस रोड पे मैं गया था और उसके बारे में जब सचिव से पूछा गया तो उसने कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं दी, हालांकि वो पदस्थ था वहां पे काफी समय से, परंतु उसने उसकी कोई जानकारी नहीं दी। उसके द्वारा बताया गया कि दस्तावेज भी कुछ नहीं है और उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है, तो मेरे द्वारा उसको बोला गया कि अगर इसमें अनियमितता पाई जाती है तो आपके विरुद्ध FIR होगी और उसके लिए हमने उसी सेम डेट पे एक जिस हमें शिकायत प्राप्त हुई थी तो एक जांच दल गठित किया है CO साहब की अध्यक्षता में, उसमें AE को रखा है, संबंधित इंजीनियर को रखा है और उसमें लगभग 4,60,000 रुपए करीब की एक अंदाजन अनियमितता पाई जा रही है, उसकी जांच के लिए दल गठित कर दिया। हो सकता है इससे व्यथित होकर उसने एक किया हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गांव वाले सभी वहां पे उपस्थित थे और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मारपीट हुई है या गाली गलौज हुई है।